हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नितीश त्यागी। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड रहेगा इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। इससे पहले मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स के तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई ये बात करते हैं, देखिए फर्स्ट वर्ड है आपके पास एसीटेक, ACETIC। अब देखिए दोनों वर्ड जो है, फर्स्ट टू वर्ड्स हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले वर्ड में बस एस नहीं है, सेकंड वाले में जो एक्स्ट्रा है वो यहां पर एस है। क्या एसीटेक? एसीटेक गाइस क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है तेजाबी, अम्लीय। मैंने यहां पर सिनोनिम्स भी लिखा है। क्या एसिड? इससे आप लोग जितने भी फूड खाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज नॉट क्या एसीटेक फूड, दिस इज नॉट एसिड फूड। भाई जो हमें एसिड बनता है ना, जो अम्ल हमें बनता है, जो हमें तेजाब हमें बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एसिटेक बोला जाता है। स्पेलिंग को अच्छे से देख लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो मैंने क्या लिखा है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आना चाहिए गाइज? नाउन आना चाहिए। एसिटेक फूड है ना, कोई भी सब्सटेंस है, आप लोग कह सकते हैं एसिड सब्सटेंस। आई होप सो गाइज क्लियर हो गया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेकेंड वर्ड है मेरे पास एसिटिक। एसिटिक भी गाइस क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है वैरागी। वैरागी सब लोग समझते हैं, सन्यासी। एक ऐसा पर्सन भैया जो अपनी लाइफ को सन्यासी की तरह जीता है। भाई जितने साधु संत होते हैं जनरली, जो अपनी लाइफ को बहुत ही संयम से जीता है ना। मैंने सिनोनिम्स लिखा है क्या? ओस्टर, OASTER। क्या? ओस्टर। ओस्टर बच्चों कोई भी पर्सन हो सकता है, हम उसे कह सकते हैं ही इज एन एसेटिक पर्सन। तो कोई भी साधु संत टाइप का भैया जो क्या नहीं करता गाइस, जो फालतू की चीजों में बिलीव नहीं करता, सिर्फ बहुत ही अपनी लाइफ को एक सीधे सादे तरीके से जीता है, सादा जीवन जीता है, तो उसको हम एसेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेटिक बोलेंगे या ओस्टर बोलेंगे। आई होप सो सेकंड क्लियर हो गया होगा। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लो। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि स्पेलिंग का बहुत माइनर सा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, थर्ड वर्ड इज हियर, एस्पायर, और ये लिखा है एक्सपायर। देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक्सपायर सब लोग समझते हैं, मुझे उम्मीद है, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं, इसका मतलब होता है समाप्त होना या मरना। जैसे अक्सर हम कहते हैं भैया ये जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो गई है ना, तो पास अवे, कोई चीज समाप्त हो जाना, एक्सपायर होना। अगर कोई पर्सन मर जाता है तो डाई हो जाता है, तो हम लोग उसको भी कहते हैं वो एक्सपायर हो गया है, ये सबको पता है। आउटडेटेड हो जाना, क्या हो जाना? आउटडेटेड, ठीक है ना, आउटडेट हो जाना कोई चीज, ये सब लोगों को क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है गाइस, वो क्या है? वो है एस्पायर। अब देखो उसको ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में एस्पायर कई बार पूछा जाता है और यूज भी बहुत बार किया जाता है। ASPIRE, एस्पायर गाइस वर्ब है ये भी, जिसका मतलब होता है उच्च अभिलाषा करना। मतलब क्या है इसको ठीक कर लेंगे, ये यहां पर समझ गए होंगे मैं क्या लिख रहा हूं, ये ना, उच्च अभिलाषा करना, मतलब किसी चीज के लिए जब हम लोग क्या करते हैं भैया, किसी चीज के लिए जब हम लोग बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं, तीव्र इच्छा करते हैं किसी चीज को पाने की ना? तो ऊंची अभिलाषा करना, ऊंची इच्छा करना, किस चीज को पाने का भैया हम लोग एम रखते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एस्पायर कर रहे हैं। ये किसी हम दूसरे पर्सन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। आई एस्पायर्ड हिम, भाई मैंने उसको क्या किया था, मैंने उसको किसी चीज को पाने के लिए जागृत किया था, उस चीज को पाने के लिए मैंने क्या बोला था, उसको एस्पायर किया था। ठीक है, एस्पायर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ डिस्कस। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हमारे पास, देखिए दोनों बहुत फर्क है, बेट और बैट। पहले वाला वर्ड है बेट, जो नाउन भी है गाइस और वर्ब भी है। स्पेलिंग का डिफरेंस देख लो, BAIT, और यहां है BET, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बेट का मतलब होता है चारा, नाउन है, और वर्ब वाली फॉर्म में अगर ये होगा तो इसका मतलब होगा चारा देना किसी को, चारा लगाना। मतलब कहीं ना कहीं देखो इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, बाइक पशुओं को चारा डालना भी बेट है, और यहां पर मैंने जब लिखा है वर्ब चारा लगाना, हम कहते हैं उसको चारा डालो आ जाएगा,
मतलब उसको लालच तो आ जाएगा। तो तब भी मैंने कहा आई बेटेड हिम ना, मैंने उसको चारा लगाया था। आई ल्यूरिड हिम, किसी को लालच देना भी, किसी को प्रलोभन देना भी, किसी को बहलाना फुसलाना भी बेट ही होता है। तो जब किसी को आप बहला फुसला रहे हैं तब भी बेट ही लगाएंगे, और पशुओं का आपने चारा डाला है तब भी बेट ही होगा। यूज है किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोग यूज करेंगे, चारा या फिर चारा लगाना, बहलाना फुसलाना भी मतलब है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। सिक्स वर्ड है मेरे पास, क्या गाइस? बीईटी। क्या वर्ड है? वर्ब है बैट। ये सब लोग समझते हैं, शर्त लगाना, बाजी लगाना, एक तरह से जुआ खेलना, गैम्बल। देखिए ठीक है गाइस, आई होप सो जितने वर्ड मैंने कराए हैं वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, है ना, शर्त लगाना, जैसे आप लोग बैट लगा लेते हैं मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे, मैंने बैट लगाई थी राहुल से। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा गाइस। अब बात लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, मुझे बताना था, कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखना शुरू कर दो, जितना आप लोग ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए। क्या गाइस? द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। कल्टीवेटिंग मतलब होता है जुताई, है ना, मैंने बताया था भाई खेती करने की जो कला होती है उसे क्या बोलेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है क्या, हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल, जो गाइस जिसको पेड़ पौधे लगाने की जो आर्ट है वो आती है, खेती करने की जिसको कला आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उससे आपका उतना ही स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होता है। ए सबस्टेंस दैट रिड्यूसेस पेन, भैया एक सब्सटेंस जो पेन को कम करता है। गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो सब्सटेंस क्या है जो पेन को कम कर देता है। अगर आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है और आप उसको ले लें तो क्या कर देगा वो, आप पेन को कम कर देगा। आई होप सो गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।